अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्त यारों को गुजरी हुई ईद मुबारक, और उम्मीद है कि मेरी तरह आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो ईद का चौथा दिन, रात का टाइम, इत्तफाकन फिशर की तरफ से आना हुआ तो मैंने कहा चलें जी कुछ ना कुछ खाने के लिए भी ले जाएं और साथ ही साथ एक छोटा सा क्लिप भी बना लिया जाए। तो इत्तफाक ऐसा हुआ कि जब वहाँ पहुँचे तो पता ये चला कि ये सारा माल जो अभी उतर रहा है ये जो है ईद से पहले का है। लांचें सब जो ईद से पहले आ गई थी वही माल उतर रहा है अभी, तो ये खाने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कंपनीज परचेस करती हैं फीड वगैरह के लिए वहाँ पे इस्तेमाल होगा, वहाँ के लिए जाएगा। बाकी जो ताज़ा माल है या लांचें हैं वो नेक्स्ट डे मतलब ईद के पाँचवें दिन से आना शुरू हो जाएंगी, और वो जो सेल आउट होगा वो सुबह के टाइम होता है। अच्छा, सुबह का इस तरह से है कि फजर के बाद जो है यहाँ पर माल उतरना, रात से उतरता है और सुबह फजर के बाद उसकी बोली लगती है। वॉक भी कहते हैं, नीलामी भी कहते हैं। तो आपने अगर परचेज़ करनी हो समंदर की मछली ताज़ा तो वो आपको सुबह फजर के बाद फिशरी में मिल जाती है, हर किस्म की, हर तरह की मछली। और बहुत सारे लोग इसको मेडिकेशन और मुख्तलिफ इकसाम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिस पर्पज़ के लिए भी आपको जौन सी भी चाहिए हो मछली इंशाल्लाह ताला यहाँ से आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा ये है कि बाकी पूरा दिन भी यहाँ पे मछली मिल जाती है, लेकिन वो रिटेलर्स होते हैं, होल सेलर्स का जो टाइम होता है वो सुबह का टाइम होता है और क्वांटिटी में चीज़ मिलती है। मिसाल है कि 5 किलो 10 किलो 20 किलो इस तरह से लॉट बनी हुई होती है एक छोटी सी, उसके हिसाब से फिर उसकी बोली लगती है, जिसका रेट ज़्यादा होता है उसको वो दे दी जाती है।